Sony lived. We live to entertain. Download the app. तौबा तौबा, कहाँ है गज्जू? वो गया कि नहीं परियों के पास? अरे देख तो रहा हूँ, कीजिए थोड़ा इंतजार। तौबा तौबा, परी भयंकर देखिए, आ गई है महागजनी गज्जू के साथ परियों के पास। शाबाश, आगे देखो, आगे देखो। महागजनी, आप इस वक्त यहाँ और वो भी गज्जू के साथ? क्या हुआ महागजनी, सब ठीक है ना? सब ठीक है, वो मैं जा रही थी तो। महागजनी, सब ठीक है तो फिर आप परीलोक को छोड़ के क्यों जाना चाहती हैं? मैं परीलोक से नहीं जा रही हूँ बाल परी। तो फिर कहाँ जा रही हैं आप? मैं आज सुरक्षा की जांच के लिए परीलोक की दक्षिण दिशा में जा रही हूँ। हम तो डर गए थे, हमें लगा कि आप परीलोक छोड़कर जा रही। पर महागजनी, आप तो सुरक्षा चौकसी के लिए रात को जाती है ना? दक्षिणी सीमा यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मुझे दिन में ही जाना पड़ रहा है। मैं तो बस गज्जू को आपके पास छोड़ने आई हूँ। छोड़ दो गज्जू को परियों के पास, क्योंकि है यही तो चाहते हम। वाह, इस बार तो भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है, अब हमारी जीत पक्की है। आपने बहुत अच्छा किया महागजनी, जो आप गज्जू को यहाँ ले आई। महागजनी, आपकी गैर मौजूदगी में गज्जू हमारी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत होकर जाइए। हाँ, हम सब परियां गज्जू का बहुत ख्याल रखेंगी। क्यों गज्जू, खेलोगे ना हमारे साथ? हाँ, खेलूंगा। वहाँ गजनी गई, गज्जू है रानी परी और परियों के पास। बड़ी शान से जिम्मेदारी ली है ना तुमने गज्जू की है? लेकिन मेरे होते हुए तुम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाओगी, नहीं रोक पाओगी मुझे गज्जू को चुराने से। भयंकर परी की चाल की वजह से परियों, आज तुम महागजनी का विश्वास तोड़ोगी। कल सुबह जब महागजनी वापस परीलोक लौटेगी तो वो परीलोक का विनाश कर देगी। जब उसे पता चलेगा कि रानी परी की वजह से उसका प्यारा गज्जू उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। अब है कर रही क्या आप किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार? अरे जाती क्यों नहीं आप परीलोक? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम जाओगे परीलोक। हाँ है ठीक। क्यों हर बार डालती क्यों हो मेरे प्राण खतरे में? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे कैसे नहीं होगा कुछ, अगर देख लिया मुझे परियों ने वहाँ तो छोड़ेंगी नहीं वो मुझे। नहीं, क्योंकि इस बार परियों पर वार तुम करोगे। करूंगा मैं वार? कैसे? डिब्बा करूंगा मैं इस डिब्बे से वार परियों पे। इसमें धुएं के गोले हैं जिससे तुम परियों पर वार करोगे, और जैसे ये डिब्बा खुलेगा चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाएगा और उस धुएं से हो जाएगी सारी परियां परेशान और उसी का फायदा आप उठाएगी, है ना? हाँ,
इसी धुएं का फायदा उठाते हुए मैं गज्जू को वहां से चुरा लूंगी, और इससे पहले कि परियों को पता चले कि गज्जू वहां से गायब हो गया है, हम किसी सुरक्षित जगह पर छुप चुके होंगे। उत्तम, अति उत्तम परी भयंकर की है आपने पहली बार पते की बात। तौबा तौबा, जाओ और करो परियों को परेशान। है ठीक। मोंटू को गिराने गए थे, खुद गिरकर आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मेरा आइडिया फेल नहीं होगा। हाँ, सिर्फ बालवीर ही ऐसा आइडिया है जो कभी फेल नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहता हूँ कि बालवीर को बुला लो। ये अच्छा माजी फटेगी। हम बालवीर से क्या कहेंगे, क्या हम कमजोर है इसलिए मोंटू से लड़ नहीं सकते? नहीं, 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 कभी नहीं। हम मोंटू की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं सर, नहीं, मोंटू ने कभी क्लास में भी सवाल नहीं पूछा, फिर उसने तुझे ईंट का सवाल कब पूछ लिया? नहीं, हम मोंटू से डर कर हार नहीं मान सकते। जब तक वो मेरी बहन सलोनी से माफी नहीं मांगेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे सचिन, तू ये सोच कि अगर मोंटू ने तुझे पकड़ लिया ना, तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उससे नहीं डरता। ठीक है सचिन, पर तू करेगा क्या? हाँ सचिन, तू करेगा क्या? अभी बताता हूँ। गज्जू के साथ खेल में इतना भी मत खो जाइएगा, क्योंकि भयंकर परी का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ परियो, भयंकर परी कब कौन सा वार करेगी ये हमें नहीं पता, हमें सतर्क रहना चाहिए। हम सब समझते हैं रानी परी, हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे। जी। आएगा मजा परियो। क्या हो रहा है? अचानक ये काले बादल कहां से आ गए? ये काले बादल हमें खतरे को बरसाने वाले बादल लग रहे हैं। परियों, आप सब लोग सावधान हो जाइए, हम अभी पता लगाते हैं कि ये काले बादल आए कहां से। जी रानी परी। समझा तुमने परियो, अब बरसाएगा ये बादल काला घना धुआ। ये गोले सिर्फ धुएं के नहीं बल्कि आंसू लाने वाले गोले हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गज्जू, गज्जू अपने आप को संभालो। We'll be right back.
Sony Live. We live to entertain. Download the app. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.